लोकसभा का पिछला चुनाव हारे कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत का भरोसा जताया है। कांग्रेस ने इंदौर को छोड़कर अब तक 28 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें से 7 उम्मीदवार पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनमें से 6 उम्मीदवार वर्ष 2014 का चुनाव हार गए थे, हालांकि बाद में एक उम्मीदवार उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। गुना से लगातार चुनाव जीत रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। हालांकि बीच में उनका नाम अन्य सीट से भी चला, लेकिन अंत में कांग्रेस ने उन्हें गुना से ही उम्मीदवार बनाया। पिछला चुनाव में भाजपा के जयभान सिंह पवैया से 1,20,792 वोटों से जीते थे। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा पिछला चुनाव भी जबलपुर से लड़े थे। उस चुनाव में भी उनका मुकाबला भाजपा के राकेश सिंह से हुआ था। इस बार भी उनकी और राकेश सिंह के बीच सीधी टक्कर है। पिछला चुनाव वे 2,08,639 वोटों से हारे थे। वहीं रतलाम झाबुआ सीट से इस बार फिर कांतिलाल भूरिया पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। भूरिया 1998 से लगातार कांग्रेस उम्मीदवार बन रहे हैं। हालांकि वे वर्ष 2014 में हुए लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में फिर से जीत गए। ग्वालियर से लगातार 2 चुनाव हार चुके अशोक सिंह पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। वे पिछला चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर से 29,699 वोट से हारे थे। इससे पहले वर्ष 2009 में वे यशोधरा राजे सिंधिया से 26,591 वोट से चुनाव हारे थे। पिछला चुनाव सतना लोकसभा सीट से लड़े थे। उन्हें भाजपा के गणेश सिंह ने चुनाव हराया था। प्रदेश में उनकी सबसे छोटी हार हुई थी। वे महज 8,688 वोटों से हारे थे। इस बार पार्टी ने उन्हें सीधी लोकसभा से मैदान में उतारा है। वहीं अरुण यादव खंडवा से और नंद कुमार सिंह चौहान के बीच में भी यह लगातार तीसरा मुकाबला है। मुकाबले में पहला चुनाव यादव करीब 45,000 वोटों से जीते थे, लेकिन दूसरा चुनाव वे 2,59,714 मतों से हार गए थे। वहीं मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई हैं मीनाक्षी नटराजन। इससे पहले वे वर्ष 2009 का चुनाव जीतकर संसद में पहुंची थी। इसके बाद वे पिछला चुनाव सुधीर गुप्ता से 3,03,649 वोटों से हार गई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।